दोस्तों लेकर आए हैं हम आपको हवेली। बताते 1934 को स्थापित ये प्राचीन भवन के अंदर अब कुछ नवीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी और बहुत आनंददायक स्थिति होगी। इस हवेली में क्या है जानते हैं इसके मालिकों से और आपको दिखाते हैं वो संपूर्ण रिपोर्ट जो महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम ने उद्घाटन के दौरान दिया है, वो दृश्य भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए इसी हवेली में ऐतिहासिक बिल्डिंग के अंदर शुभारंभ करने जा रहे हैं यहाँ महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत शानदार इंतज़ाम किए गए हैं आयोजकों की ओर से। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद फीता काट के उद्घाटन करेंगे महापौर बरेली। फीता काट के उद्घाटन किया है हवेली का और आयोजक खैर मकदम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम का देकर। सर सर बैठिए, दो सौ साल पुरानी हवेली है और इसमें लगी तिजोरी जिसे शायद लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि 200 साल पुरानी तिजोरी देख रहे होंगे आप ऐतिहासिक बरेली में हवेली है। हवेली के दर्शन बहुत करीब से आपको, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, खबर देख रहे होंगे, वो यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा घर बैठे लगा रहे होंगे। इस सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आप यहाँ पर शांति के साथ बैठकर अपने फैमिली के साथ भी भोजन कर सकते हैं, अपने पसंद की चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें यहाँ पर भी खा सकते हैं। और ये वो हवेली का कॉर्नर है जहाँ फैमिली के साथ, अपने प्रियजनों के साथ सुकून के दो पल बिता सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं आनंद। और नीचे चल रहा है कार्यक्रम तो मेरे कैमरे की निगाह से देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक भवन लेकिन आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत हुआ है आपके सामने। महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि लैंप शानदार तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। फोटो देखने के बाद तबीयत खुश हो जाएगी। तमाम जगह लगे हुए हैं, महापौर साहब बहुत सही जगह पर खड़े, लाइट अच्छी आ रही है। आज आप हवेली आए हैं, मेरे दर्शक आपको देखने सुनना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद और क्या पैगाम देना चाहेंगे बरेलीवासियों को? जो 200 साल पहले हवेली का एक माहौल रहा होगा वो दोबारा लोगों को महसूस हो सके, दोबारा लोग उसको फील कर सकें, ऐसा मुझे तो खुद फीलिंग हो रही है यहाँ आके। और 200 साल पुरानी तिजोरी मेरे ख्याल से लोगों ने सपने में या किताबों में पढ़ी होंगी, आज हकीकत में भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बरेली के जो लोग हैं स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हो रहे हैं और ऐसी हवेलियों को देखने का उनको मौका मिल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है वही कुजीन भी मिलेगा जो राजा महाराजाओं का होता था, और लोगों को एक हवेली में आकर एक हवेली के खाने की खुशबू भी मिलेगी। इसके लिए हवेली के सभी ओनर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या आम पब्लिक के लिए क्या इसमें कुछ है अंदर? इसमें उनको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है हवेली, जैसे कि नाम है हवेली, हवेली थीम पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको एक 200 साल पुरानी तिजोरी देखने को मिलेगी, जो तिजोरी के अंदर खजाना तो नहीं है बट आपको बहुत लजीज खाना ज़रूर मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई, यंगस्टर्स के लिए यहाँ पर बहुत कूल सेल्फी पॉइंट्स हैं, जैसे बटरफ्लाई स्कूटर है, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, और फ्रेम्स हैं जहाँ पर 1934 हवेली लिखा हुआ है। आएंगे बाबा का श्री ठाकुर प्रसाद, उनकी बनाई हुई हवेली को मैंने रिनोवेशन करके एक रेस्टोरेंट लुक दिया है।